अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल कुक विद शबनम। आज मैं बनाने वाली हूँ बूंदी के रायता। तो बूंदी के रायता बनाने के लिए मैं जो चीज़ें चाहिए, एक कप बूंदी, ये मार्केट में अवेलेबल है, ये आसानी से हमें मिल जाती है कोई भी शॉप में। एक कप दही, हाफ टी स्पून भुना हुआ ज़ीरा पाउडर, हाफ टी स्पून काला नमक, हाफ टी स्पून चिल्ली फ्लेक्स, हाफ टी स्पून चाट मसाला पाउडर, क्वार्टर टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, हरी धनिया, नमक हसबे ज़रूरत और पानी भी हसबे ज़रूरत। तो सबसे पहले हम बूंदी को गर्म पानी में भिगो देंगे 2 मिनट के लिए। ऐसे अच्छे से ये हम पानी में इसलिए भिगो रहे हैं ताकि हमारा जो बूंदी के जो तेल है वो सारे पानी में आ जाए और फिर हम इसे छान लेंगे। तो ये देखिए हमारे 2 मिनट हो चुके हैं और हमारे बूंदी भी बहुत सॉफ्ट हो चुके हैं। अब मैं इसे छान लूँगी। तो ये देखिए मैंने बूंदी को छान कर निकाल लिया है, अब मैं इसे साइड कर देती हूँ। अब नेक्स्ट प्रोसेस में हम आते हैं। अब सबसे पहले हम दही लेंगे। अब इसे फेंट लेंगे अच्छे से। तो ये देखिए हमारे फट आ चुकी है। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। अब फिर से इसे फेंट लेती हूँ मैं। तो ये देखिए हमारे फट आ चुकी है। अब मैं इसमें नमक ऐड करूँगी। काला नमक, चाट मसाला पाउडर और चिल्ली फ्लेक्स और इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अब इसमें मैं भुना हुआ ज़ीरा पाउडर ऐड करूँगी और इसे मिक्स कर लूँगी अच्छे से। तो ये देखिए हमारा मिक्स हो चुकी है अच्छा से सारे मसाले। अब इसमें मैं बूंदी डालूंगी। और इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी। तो ये देखिए हमारे मिक्स हो चुके हैं बूंदी इसमें। अब लास्ट में मैं इसमें भुना हुआ ज़ीरा पाउडर स्प्रिंकल कर रही हूँ और लाल मिर्च पाउडर, इससे हमारी थोड़ा लुक इसका अच्छी लगेगी, थोड़ी डेकोरेशन हो गई। और लास्ट में हरी धनिया थोड़ा से। तो ये देखिए हमारे झटपट सी बूंदी के रायता रेडी है। आप इसे पुलाव के साथ ज़रूर ट्राई करें या फिर चावल के साथ, जिसके साथ आप चाहें उसके साथ आप खाएं और हमें बताएं कि आपको कैसी लगी हमारी रेसिपी। और अगर हमारी रेसिपी आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह न्यू रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।